सनसेट होता है तो वो क्यों होता है नदियाँ क्यों बहती हैं हवाएं क्यों चलती है? बहुत सारी हैं बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में के होते हैं और अलग अलग बच्चों के दिमाग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं क्यूरियसिटीज़ होती हैं जानने की इच्छा होती है उन लोगों की तो इसी के ऊपर चैप्टर बना है सॉरी जो पोएम बनी है इसका नाम है वाई तो चलिए शुरू करते हैं आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई तो यहाँ पोएट कहते हैं कि मैं जानता हूँ एक क्यू क्यूरियस बॉय को क्यूरियस बॉय का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा एक ऐसा लड़का जिसको जानने की इच्छा हो क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु जिसको जानने की इच्छा होती है तो उसी को हम कहते हैं क्यूरियस तो यहाँ पोएट कहते हैं कि मैं एक जानता हूँ एक क्यूरियस बच्चे को कि और वो हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है कि वाई ये ऐसा क्यों है तो वो आगे कहते हैं वाई दिस वाई दैट वाई देन वाई नाउ और वो क्या पूछता है क्वेश्चन में वाई में कि ऐसा क्यों है वाई दिस वाई दैट वैसा क्यों है वाई देन वो क्यों है वाई नाउ अब क्या है वाई नॉट अब क्या नहीं है और इस तरह से पूछता रहता है कि वाई बाय द बाय और इस तरह से बस उसके क्वेश्चन में आता है वाई 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 क्योंकि वो बताते हैं पोएट कि वो एक क्यूरियस बॉय है और उसको हमेशा ही क्वेश्चन करता रहता है तो इसलिए दिमाग में उसके हमेशा वाई मतलब क्यों ही चलता रहता है ही वॉन्ट्स टू नो वाई शुड वाई वुड शुड स्विम वो जानना चाहता है कि क्यों लकड़ी तैरनी चाहिए यानी कि जब पानी में आप लकड़ी डालते हैं तो डेफिनेटली आपने देखा ही होगा वो तैरती रहती है तो वो ये जानना चाहता है कि अगर वुड तैरती है पानी में तो उसको क्यों तैरना चाहिए वाई ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम यानी कि वो जानना चाहता है कि लकड़ी को क्यों तैरना चाहिए वाई लेड एंड मार्बल सिंक और क्यों मार्बल को और लेड को डूब जाना चाहिए अब लेड क्या होता है लेड है एक हैवी ग्रे मेटेलिक एलिमेंट एक बड़ा सा भारी सा ग्रे कलर का एलिमेंट है जो पानी में डूब जाता है आपको तो पता ही होगा कि बाहरी चीज़ें पानी में डूबती हैं और जिनका वेट पानी की वेट से कम होता है जो हल्की होती हो पे, है वो पानी पर तैरती हैं और फिर इसलिए वो आके यहाँ पर लिखा है पोएट ने कि वाई लेड एंड मार्बल सिंग तो उसके बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि क्यों हमेशा लेड एंड मार्बल मार्बल का मतलब तो आपको पता ही होगा कि एक हार्ड स्टोन वो कलरफुल ग्लास से बनी हुई गोल गोल बॉल्स जिनसे बच्चे खेलते हैं उन्हीं को कहते हैं मार्बल तो ये दोनों भारी होती हैं तो पानी में डूब जाती हैं तो उसका ये क्वेश्चन है कि क्यों लकड़ी को पानी में तैरना चाहिए और क्यों लड़क और मार्बल को डूब जाना चाहिए वाई सन शुड साइन एंड विंड शुड ब्लो एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक और फिर आगे उसका ये क्वेश्चन होता है कि क्यों सूरज को चमकना चाहिए और क्यों हवा को बहना चाहिए एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक और हम क्यों खाते हैं और हम क्यों पीते हैं ये इसके क्वेश्चन हैं He wants to know what makes the cloud and why they cross the sky और फिर वो आगे जानना चाहता है कि कि जो clouds होते हैं जो बादल होते हैं वो कैसे बनते हैं और वो किस चीज़ से बनते हैं and what and why they cross the sky और वो क्यों स्काई को क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं जैसे कि अगर आपने भी नोटिस किया हो स्काई को कभी देखकर तो देखा होगा कि बादल लगते हैं जैसे कि माना जा रहे हों एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की ओर एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा रहे हों तो ये क्वेश्चन उसके माइंड में भी आता है कि बादल किससे बने हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह वो क्रॉस करके स्काई में वो क्यों जाते हैं वाई सिंग्स द सन बिहाइंड द हिल्स एंड वाई द फ्लावर्स डाई क्यों जो सन है जो सूरज है वो पहाड़ी के पीछे जाके डूब जाता है एंड वाई द फ्लावर्स डाई और क्यों जो फूल हैं वो मुरझा जाते हैं या फिर मर जाते हैं क्यों विदहर्ड हो जाते हैं फूल मुरझा जाते हैं ये वो जानना चाहता है सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई और फिर आगे पोएट कहते हैं इनमें से कुछ वाई का कारण मतलब कुछ वाई को जानना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप कोशिश करोगे इन, इनका आंसर जानने का तो उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे सम ऑफ दिस वाई आर नॉट टू हार्ड यानी कि इसमें से कुछ क्या जो है उनको जानना उनके उनका आंसर जानना बहुत मुश्किल नहीं है नॉट टू हार्ड मतलब बहुत मुश्किल नहीं है टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई और अगर कोशिश करोगे तो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे जो जितने भी क्वेश्चन आप चाहते हो सबके के आंसर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप कोशिश करोगे तो अदर्स नो वन एवर येट है ही हैज़ फाउंड रीजन वाई अदर नो वन एवर येट उसके दूसरे क्वेश्चनस का आंसर जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है जैसे कि यहाँ पर पोएट ने बताया है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स इतने हार्ड नहीं हैं अगर आप ट्राई करेंगे तो उनके आंसर आपको मिल जाएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसके ऐसे भी हैं अदर क्वेश्चंस उसके हैं जिस जिसके रीज़न जिसका कारण नहीं पता चल पाया है कि उसका वो ऐसा ऐसा क्यों होता है अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है इसका आंसर अभी हमको नहीं मिल पाया है तो इसके न्यूवर्स देख लेते हैं क्यूरियस क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासा जानने की इच्छा रखना लेड लेड है हैवी ग्रे एलिमेंट एक भारी सा ग्रे कलर का एलिमेंट जो मेटल से बना हो मार्बल मतलब होता है मार्बल मतलब होता है जो हार्ड स्टोन कह सकते हैं आप जैसे कि एक स्मॉल बॉल ऑफ कलर्ड ग्लास भी कह सकते हैं आप उसको सिंक मतलब होता है डूब जाना और रीजन मतलब होता है कारण तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आप प्लीज़ अपने चैनल को लाइक करें इसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें और इसको सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें थैंक यू